देखिए चंद्रयान अभियान के बारे में इतना ही कहूँगा कि चांद के 2.1 मीटर तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। इसके पहले दुनिया की सिर्फ 3 कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि चांद के ज़मीन पे आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर आप लैंड करेंगे तो वो यान जो है वो टूट के चूर चूर हो जाएगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि पत्ते की तरह ऐसे उड़ते उड़ते वो लैंड करेगा। तो ये बहुत दुखद बात है कि सिर्फ 2.2 इतने लाखों किलोमीटर गया और 2.1 किलोमीटर के पहले उसका जो है कम्युनिकेशन टूट गई। लेकिन विज्ञान जो है वो कहीं पे रुकती नहीं है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को बहुत गर्वित किया है, USA, रशिया और चाइना सिर्फ 3 देश अभी तक चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है। लेकिन उन्होंने सब ने नॉर्थ पोल से किया है। साउथ पोल से सॉफ्ट लैंडिंग भारत पहली देश है जो करने जा रहा था। तो हर एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ ना कुछ बाधा के सम्मुखीन होते हैं। आपको बता दूं कि इसरो ने जो बात बताई है उस पर भी ज़रा गौर करें। हाँ, ये विक्रम का वो लैंड हुआ होने के लैंड हो गया या नहीं हो गया वो हमें पता नहीं चला, कम्युनिकेशन टूट गई है। अब देखेंगे आगे, ऐसा बहुत मिसाल है कि बाद में कम्युनिकेशन को रिस्टोर किया गया है। अब उस पर कोशिश चल रही है। लेकिन जो पूरा चंद्रयान 2 मिशन है उसका 95% सक्सेसफुल है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो चांद के जो ऑर्बिट है उस पर घूम रही है, बाकायदा घूम रही है और तस्वीरें जो है 2 साल तक इसरो को भेजती रहेगी। तो 95% मिशन जो है वो जगह पे है। जो चांद पे लैंड करने वाली जो विक्रम वाली बात थी उसमें हमको थोड़ी सी जो है हताशा का सामना करना पड़ा। लेकिन विज्ञान में हताशा की कोई जगह नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही ये सक्सेसफुल होती है। तो आगे सितारों के आगे जहान और भी है। मैं इसरो के साइंटिस्ट को फिर भी जो है तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने चांद के 2.1 किलोमीटर तक हमको सारी जानकारी के साथ हमें पहुंचाया। और बाकी ये भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो कनेक्शन जो है दोबारा वो एस्टेब्लिश कर लिया जाए। बहुत बहुत